हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। और इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे प्ली बार्गेनिंग क्या है और साथ ही साथ यह जानने का प्रयास करेंगे प्ली बार्गेनिंग सीआरपीसी में कब जोड़ा गया और प्ली बार्गेनिंग को सीआरपीसी में किस चैप्टर में और किस सेक्शन में बताया गया है। साथ ही यह जानेंगे कि किन मामलों में प्ली बार्गेनिंग हो सकता है और किन मामलों में प्ली बार्गेनिंग की प्रोसेस नहीं होती है और प्ली बार्गेनिंग का आवेदन कौन कर सकता है और कौन तय करेगा कि कौन से अपराध हैं जो सामाजिक आर्थिक स्थिति में आते हैं और साथ ही साथ प्ली बार्गेनिंग के निर्णय के विरुद्ध अपील हो सकती है। करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं प्ली बार्गेनिंग क्या है। तो प्ली बार्गेनिंग दोस्तों एक प्रोसेस है, यानी प्ली बार्गेनिंग एक प्रक्रिया है जिसमें अपराधी शिकायतकर्ता के साथ एक समझौता करता है और वो कोर्ट के सामने अपने अपराध को स्वीकार करता है और अपने लिए कम सजा की मांग करता है। तो अब हमने जाना कि प्ली बार्गेनिंग क्या है। तो प्ली बार्गेनिंग एक प्रोसेस है जिसमें जो अपराधी है वो कंप्लेनेंट के साथ अपने समझौता करता है और अपने अपराध को स्वीकार करता है, बदले में कोर्ट के सामने स्वीकार करता है और अपने जो अपराध है उसके लिए कम दंड की मांग करता है। तो अब बात करते हैं प्ली बार्गेनिंग को कब जोड़ा गया। तो प्ली बार्गेनिंग दोस्तों हमारे जो सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें पहले से नहीं था। यह एक यूएसए की प्रोसेस है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भारत में जो प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट है वो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 या दोस्तों क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 है जो उसके तहत जोड़ा गया था और लेकिन यह इनेक्ट हुआ था 5 जुलाई 2006 से। कभी कभार यह भी पूछा जाता है और प्ली बार्गेनिंग से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जाम में जो मार्च में हुआ था 2021 में उसमें भी इससे पूछा गया था कि प्ली बार्गेनिंग कब जोड़ा गया। तो हम प्ली बार्गेनिंग जोड़ा गया था चैप्टर 21A में है, सीआरपीसी में चैप्टर 21A में प्ली बार्गेनिंग है जो सेक्शन 265A से 265L तक है। तो प्ली बार्गेनिंग कब जोड़ा गया, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 से जोड़ा गया, चैप्टर 21A में है, सेक्शन 265A से सेक्शन 265L तक है, 5 जुलाई 2006 से यह लागू हुआ। अब बात करते हैं किन मामलों में प्ली बार्गेनिंग हो सकता है। तो पहले यह जान लेते हैं किन मामलों में प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकता। तो जो मैटर 7 वर्ष से ज़्यादा अधिक कारावास के हैं या जो मृत्यु दंड के हैं या जो आजीवन कारावास के हैं, इन मामलों में प्ली बार्गेनिंग की प्रोसेस नहीं हो सकती है। मतलब इनमें अभिभाग चर्चा, जिसे प्ली बार्गेनिंग को हिंदी में कहते हैं अभिभाग चर्चा, यह प्रोसेस नहीं हो सकती। तो जो 7 वर्ष के मैटर हैं, जो आजीवन कारावास हैं या जो मृत्यु दंड हैं, इनमें नहीं हो सकती। 7 वर्ष से जो कम के अपराध हैं उनमें प्ली बार्गेनिंग हो सकता है और उनमें भी कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि जो अपराध भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर असर डालते हैं उनमें प्ली बार्गेनिंग की प्रोसेस नहीं हो सकती है। यह क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो एक्सेप्शन रहते हैं कि 7 वर्ष से कम के क्या सभी अपराधों में प्ली बार्गेनिंग हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। जो अपराध महिलाओं के विरुद्ध हैं उनमें प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकता है। जो 14 वर्ष से कम के बच्चों के से रिलेटेड अपराध हैं उनमें भी प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकता है। तो हमने जाना किन किन मामलों में प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकता है। तो जो 7 वर्ष से अधिक के कारावास के जो मैटर हैं उनमें प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकता है। आजीवन कारावास का अगर मुकदमा है तो उसमें भी नहीं हो सकता है, या मृत्यु दंड से संबंधित मैटर है तो उसमें भी प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकता है, और महिलाओं से रिलेटेड जो अपराध है तो उसमें प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकता है, और जो 14 वर्ष से कम के बच्चों से रिलेटेड अपराध है, अफेंस है, तो उसमें भी प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकता है, और जो अपराध भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर असर डालते हैं उनमें भी प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकता है। जैसे कि कोई मिलावट से रिलेटेड मैटर है और आप कहेंगे कि उसमें प्ली बार्गेनिंग हो जाए तो उसमें भी प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकता है। तो प्ली बार्गेनिंग छोटे मोटे अपराधों में होता है। अब बात करते हैं कि कौन तय करेगा कि कौन कौन से अपराध सामाजिक आर्थिक स्थिति पर असर डालते हैं। तो यह तय करता है भारत की केंद्र सरकार। भारत की केंद्र सरकार यह तय करती है कि कौन कौन से मैटर हैं जो भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर असर डालते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है लॉ एग्जाम में और जुडिशियल एग्जाम में कि यह कौन तय करेगा, क्या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार। तो यह केंद्र सरकार नोटिफिकेशन निकालती है कि ये अपराध भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर असर डालते हैं। तो अब बात करते हैं किन मामलों में प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकता है। तो हमने जान नहीं लिया इन सब मामलों में प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं प्ली बार्गेनिंग का आवेदन कौन कर सकता है। तो जो एक्यूज्ड है, जो अपराधी है, वो प्ली बार्गेनिंग का आवेदन कर सकता है और वो वॉलेंटरीली होना चाहिए, मतलब वो स्वेच्छा से होना चाहिए, उस पर किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए। अब कौन तय करेगा कि कौन से अपराध देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर असर डालते हैं, तो ये हमने जान लिया केंद्र सरकार तय करती है और इन पर प्ली बार्गेनिंग नहीं होता है। प्ली बार्गेनिंग के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ होती है। तो जनरली प्ली बार्गेनिंग
के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं होती है, लेकिन कुछ कंडीशन में होती है, वो है SLP यानी स्पेशल लीव पिटीशन और रिट पिटीशन। आर्टिकल 136 के तहत स्पेशल लीव पिटीशन के तहत आप प्ली बार्गेनिंग के विरुद्ध अपील कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट थे कि क्या इसके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती है, तो बिल्कुल प्ली बार्गेनिंग के विरुद्ध अपील हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपके लिए सुप्रीम कोर्ट में 136 के तहत आर्टिकल 136 के तहत स्पेशल लीव पिटीशन के तहत और आर्टिकल 226 और 227 के तहत रिट पिटीशन के तहत प्ली बार्गेनिंग के विरुद्ध अपील हो सकती है। तो हमने इस वीडियो में जाना प्ली बार्गेनिंग क्या है। तो प्ली बार्गेनिंग एक प्रोसेस है जिसके तहत जो अपराधी है वो कंप्लेंट के साथ समझौता कर अपने जो अपराध है उसको स्वीकार करता है कोर्ट के सामने और अपने लिए कम सजा की मांग करता है। और प्ली बार्गेनिंग जोड़ा गया था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 से, जो इनेक्ट हुआ था 5 जुलाई 2006 से, और चैप्टर 21 CRPC में, क्रिमिनल चैप्टर 21 है जो CRPC का, उसमें ये प्रोविजन है प्ली बार्गेनिंग से रिलेटेड, और दो सेक्शन है 265A से 265L तक। और पनिशमेंट की बात कर लेते हैं, प्ली बार्गेनिंग आप कितनी दी जाती है, पनिशमेंट जनरली प्ली बार्गेनिंग में काफ़ी कम दी जाती है, और जो आप जो भी अफेंस है उसमें जो पनिशमेंट दी गई है, जैसे कोई अफेंस में दी गई है कि मिनिमम पनिशमेंट 5 ईयर होगी, तो उसका हाफ यानी आधी पनिशमेंट दी जाती है, मिनिमम से भी आधी पनिशमेंट दी जाती है। और अगर किसी अफेंस में बताया नहीं गया कि मिनिमम पनिशमेंट कितनी है, तो उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट बताई जाती है, तो मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/4 पनिशमेंट मिलता है। तो यह काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी डाउट्स आते हैं स्टूडेंट के, तो यह आपको ध्यान रखना है, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसके अलावा प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट भारत ने USA से लिया था। अब बात करते हैं प्ली बार्गेनिंग के कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस की, महत्व की, तो इसमें कोर्ट और सरकार का काफ़ी समय और धन भी काफ़ी बचता है, और इसमें फास्ट डिस्पोजल ऑफ केसेस होता है जो कोर्ट का बर्डन को रिड्यूस करता है, और यह काफ़ी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और एक न्यू कंसेप्ट है जो CRPC में अभी 2005 के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट से जोड़ा गया, और यह काफ़ी चर्चा में था कोरोना वायरस के दौर में, काफ़ी ऐसे केस आ रहे थे जो मतलब जो अफेंस आ रहे थे उनमें काफ़ी प्ली बार्गेनिंग हुए हैं, इसलिए यह काफ़ी चर्चा में, इसलिए इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं, चाहे वो MP सिविल जज हो या अदर जुडिशियल एग्जाम हो, तो उसमें पूछे जा रहे हैं। तो एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं, तो प्ली बार्गेनिंग है जो वो सेक्शन 265A से 265L तक है CRPC में, 21A चैप्टर में है, 5 जुलाई 2006 से लागू हुआ है। पनिशमेंट इसमें मिनिमम जो मिनिमम पनिशमेंट बताई गई अफेंस में उससे आधी मिलती है, और अगर नहीं बताई गई है तो जो मैक्सिमम है उसकी 1/4 पनिशमेंट मिलेगी। USA से कंसेप्ट लिया गया है। और प्ली बार्गेनिंग किन मैटर में नहीं होती है, तो आपको बता दिया है, जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध हैं उनमें प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकती है, और इसके अलावा जो बच्चों 14 साल से बच्चों के विरुद्ध जो 14 साल से बच्चों से रिलेटेड जो अफेंस हैं उनमें भी नहीं हो सकती है। इसके अलावा जो भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर असर डाल रहे हैं उन अपराधों में आप कैसे प्ली बार्गेनिंग कर सकते हैं, तो उनमें भी नहीं हो सकती है। अब एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर जो असर डालते हैं वो कौन से अपराध होंगे, तो यह केंद्र सरकार जो नोटिफिकेशन निकालती है उससे तय होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने जाना था समरी ट्रायल के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और स्पेशल टॉपिक के साथ। थैंक यू।